हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ प्लास्टिक का जो पीलापन है वो कैसे दूर करें वो शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो एक बॉयलर आपको दिख रहा है, ये मेरी मदर इन लॉ का था जो उनके पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था। तो ये अब एकदम बिल्कुल येलो हो चुका है, तो मैं इसे आपको साफ़ करके दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा पीला हो चुका है। तो मैं इसे आपको तीन तरीक़ों से जो है प्लास्टिक कोई भी बाउल या किसी भी तरह का मेलेमाइन का प्लास्टिक वगैरह आप साफ़ कर सकते हैं, इसके तीन तरीके बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने एक बाउल में जो है डिटर्जेंट ले लिया है, ये विल डिटर्जेंट है, आप कौन सा भी ले सकते हैं। और एक बाउल में मैंने नमक ले लिया है। अब मैं दोनों तरीके से आपको बताऊँगी और फिर तीसरा तरीका हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये जो सर्फ और नींबू से मैं इसे घिस रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये वाइट तो हो रहा है इससे भी, लेकिन जो है डिटर्जेंट से हम जब इसे ये स्क्रब करेंगे ना, तो इसमें हमारा जो है टाइम ज़्यादा जाएगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेंगी। बहुत ज़्यादा टाइम तक हमें इसे रफ करना पड़ेगा और बहुत मेहनत लगेगी इससे, मतलब। लेकिन इस मेथड से भी जो है ये क्लीन हो जाएगा, आप डिफरेंस देख सकते हैं, आपको पता चलेगा वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है वाइट तो हो गया है, लेकिन इसमें टाइम काफ़ी लगा है। मैंने जो है स्लो स्पीड में ही वीडियो बनाई है आपको, ताकि मैं पूरा जो है रिव्यू दे सकूं। और अब सेम हम जो है नमक के साथ दूसरी वाली ट्रिक यूज़ करते हैं। तो मैंने दूसरा नींबू ले लिया है, नींबू और नमक जो है मिलकर जो है बहुत अच्छे से चमका देते हैं प्लास्टिक को। तो देखिए, आप देख सकते हैं नमक से कितना इजीली ये क्लीन हो रहा है। तो मुझे नमक वाला आइडिया ज़्यादा बेस्ट लगा। आप दोनों भी ट्राई कर सकते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो आपकी चॉइस है। तो देखिए, इस तरीके से भी जो है ये वाइट हो चुका है। और अभी बीच में का मैंने वैसे क्लीन नहीं किया है, अब इसे हम थर्ड मेथड से जो है क्लीन करने वाले हैं। जो हमारी थर्ड जो टिप्स है वो ये हैं कि हमें एक बाउल लेना है, बाउल मतलब पैन लेना है, पैन बाउल आप कुछ भी ले सकते हैं जिसे आप गैस पर गर्म कर सकें, और उसे गैस का फ्लेम ऑन करके रख देना है। और उसमें कौन सा भी डिटर्जेंट जो है एक चम्मच या दो चम्मच के करीब डालकर इसे अच्छी तरह से बॉयल आने देना है। और अब फिर मैंने इसे किसी भी प्लेट वगैरह में आप रख सकते हैं। और फिर ये जो अंडे की जो ट्रे थी, ट्रे उसके ऊपर मैंने ये गरम पानी जो है डाल दिया है। तो इससे तो चंद सेकंड्स में ही जो है प्लास्टिक का पीलापन दूर हो जाएगा। ये देखिए, आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। और मैंने इसे जो है इस वाले स्क्रबर से रफ़ किया है, जिससे इसमें एकदम नई तरह से शाइन आ गई है और ये एकदम अच्छे से चमकने लगा है। तो ये वाला जो तरीका है वो ये सबसे बेस्ट है। आप तीनों में से अगर आपको एक भी तरीका पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अब ये धोने के बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये कितना शाइन कर रहा है। अब सेम इसके दूसरे जो पार्ट्स हैं उनको भी हम क्लीन करेंगे। तो मैं इसी वाले तरीके से जो है इनको भी क्लीन करने वाली हूँ। और ये जो इसकी पिन रहती है, वायर वगैरह जो रहता है, इसे भी मैंने थोड़ा सा हल्का सा स्क्रब किया है, ताकि ये भी चमकने लग जाए। तो देखिए फाइनल लुक
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो बिफोर और आफ्टर आप देख ही सकते हैं। आई होप आपको ये आइडियाज एंड टिप्स पसंद आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।